हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित रत्नाकर है और रत्नाकर स्टडी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से सेकंड चैप्टर अ थीफ्स स्टोरी पढ़ेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एक थीफ की स्टोरी है, एक चोर की कहानी है और इसके राइटर जो हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं। ठीक है, रस्किन बॉन्ड हैं। तो ये कहानी जो है ये एक चोर के बारे में है जो कि एक छोटा ही लड़का है। तो यहाँ हम इसका बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया है, ये पढ़ लेते हैं। अ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। एक यंग बॉय है जो कि अनिल के साथ फ्रेंडशिप करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल उस पर पूरी तरह से विश्वास करता है और उसको काम दे देता है। डज द बॉय बेट्रे हिज ट्रस्ट। बेट्रे का मतलब होता है धोखा देना या विश्वासघात करना। तो जो लड़का है क्या वो उसको विश्वासघात करेगा, उसका जो ट्रस्ट है उसको तोड़ेगा? तो इसी के बारे में कहानी है। जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि क्या बॉय उसका ट्रस्ट को तोड़ता है या नहीं तोड़ता है। जो यंग बॉय है वही चोर है इसमें। ठीक है, तो रीड एंड फाइंड आउट देख लेते हैं। इसमें क्या है कि हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ये किस बारे में है। हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में आई जो है वो किसके बारे में कहा गया है? What is he? A fairly successful hand at? और वो किस में a fairly successful hand था? A fairly successful hand को आप एक phrase की तरह ले सकते हैं जिसका मतलब आप ले सकते हैं expert। ठीक है, तो वो किस चीज़ में expert था, जो boy है वो किस चीज़ में expert था? What does he get from Anil in return for his work? और वो अनिल से, वो लड़का अनिल से अब काम करने के बदले में उसे क्या मिलता था? ठीक है, तो ये जब हम आगे पढ़ेंगे स्टोरी तब हमें पता चलेगा कि वो क्या था और क्या अनिल से काम करने के बदले में उसे क्या चीज़ मिलती थी, कितने पैसे मिलते थे या जो भी मिलता था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज स्टल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल। मैं उस वक्त एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला। ठीक है, थीफ मतलब चोर। एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। और कह रहे कि भले ही मैं सिर्फ 15 साल का था, ठीक है, सिर्फ 15 साल का ही था, लेकिन मैं इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस था और काफ़ी एक्सपर्ट भी था। ठीक, अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। तो अनिल उस वक्त एक रेसलिंग मैच, एक कुश्ती देख रहा था जबकि मैंने उसको अप्रोच किया। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो, लीन मतलब रहता है पतला, तो वो एक लंबा पतला सा आदमी था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो एकदम मस्त मौला लगता था। ईजी गोइंग मतलब मस्त मौला। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज, और कैसा लगता था, काइंड भी लगता था वो, सिंपल इनफ मतलब बहुत ही एकदम सिंपल लगता था कि जो मेरे पर्पज को पूरा करने के लिए काफ़ी था। उसे लगता था कि एकदम भोला भाला है और एकदम मस्त मौला है तो इसको लूटना आसान रहेगा, तो उसे लगा कि मैं इसको अप्रोच करता हूँ। आई हैडन्ट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस। और पिछले कुछ समय से मुझे ज़्यादा लक तो नहीं मिला था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं इसे यंग मैन का कॉन्फिडेंस जीत सकता हूँ। You look a bit of a wrestler yourself. तो आई सेड, मैंने उससे कहा कि आप तो खुद ही एक रेसलर की तरह लगते हैं। रेसलर मतलब पहलवान। तो उसने उससे कहा, चोर ने अनिल से कहा कि आप तो खुद ही एक पहलवान की तरह लगते हैं। A little flattery helps in making friend. Flattery मतलब होता है थोड़ी सी चापलूसी करना, उसकी तारीफ़ कर देना। तो आगे बोलता है वो कि अगर आप किसी की थोड़ी सी तारीफ़ कर दें, थोड़ी सी चापलूसी कर दें, तो उससे दोस्ती करने में थोड़ी सी आसानी मिल जाती है। इसलिए उसने बोला कि आप तो एक रेस्लर ही दिखते हैं, जबकि वो यहाँ पे दिखाया गया था कि वो लीन फेलो था, मतलब पतला सा था। सो डू यू, ही रिप्लाइड। और उसने रिप्लाई किया कि हाँ, वो तो तुम भी लगते हो। ठीक है, तो अनिल ने वापस रिप्लाई कर दिया कि तुम भी तो एक रेस्लर लगते हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। और उस वक्त ऐसा सुन के ये एकदम शॉक्ड हो गया, क्योंकि उस वक्त मैं जो था, मतलब ये चोर अपने बारे में बोल रहा है कि उस वक्त मैं जो था बहुत ज़्यादा पतला था। तो जब उसने ऐसा बोल दिया तो इससे एक चीज़ तो ये पता चलती है कि वो एकदम शार्प माइंड था, तेज़ दिमाग था। उसने तुरंत ही हाजिर जवाब था, मतलब कह सकते हैं कि
कि उसने कहा कि आप रेसलर लगते हो, तो उसने पलट के कह दिया कि हाँ भाई आप भी रेसलर लगते हो, जबकि दोनों ही एकदम पतले पतले थे। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट, तो कहता है कि हाँ मैंने एकदम मॉडेस्टली, मॉडेस्टली का मतलब है थोड़ा सा शर्माते हुए, मैंने शर्माते हुए थोड़ा सा कहा कि हाँ मैं थोड़ी सी रेसलिंग तो थोड़ी सी कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह, आई लाइड। तो अनिल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, मैंने कहा हरी सिंह, और ये मैंने झूठ कहा था, आई लाइड, झूठ कहा। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने ऐसे ही नया नाम ले लेता था अपना, मतलब नया नाम रख लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज, और ऐसा करके क्या होता था कि मैं जो मेरे पुराने जो मालिक थे जहाँ मैं पहले काम करता था, जिनको मैंने लूटा था, उनसे और पुलिस से मैं बचा रहता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, और इस जान पहचान के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑइल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। तो क्या हुआ, इसके बाद अनिल ने क्या किया, जो वेल ऑइल्ड रेसलर थे, जो कुश्ती लड़ रहे थे, वो बड़े ऐसे एकदम ऑयल वॉयल लगा रखा था उन्होंने अपने बॉडी में, और वो एक दूसरे से जब लड़ रहे थे तो क्या कर रहे थे, ग्रंट कर रहे थे। ग्रंट का मतलब होता है थोड़ा सा चिंगारना टाइप से, कराहना करके। तो दोनों एक दूसरे, मतलब जब पहलवान लड़ते हैं तो एक आवाज़ नहीं आती, उसको कहते हैं ग्रंट, ठीक है। तो वो थोड़ा सा चिंगार रहे थे, थोड़ा सा हल्ला कर रहे थे, और एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे थे, उठा ले रहे थे, और एक दूसरे को इधर उधर, एक दूसरे को उठा उठा के फेंक रहे थे। आई डिडेंट हैव मच टू से, और मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, तो अनिल फिर अलग चला गया, दूसरी तरफ चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने उसका एक ऐसे नॉर्मल तरह से कैजुअल रूप में उसका थोड़ा सा पीछा किया, उसको थोड़ा सा फॉलो किया। हेलो अगेन, ही सैड, उसने दोबारा से कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, अपीलिंग का मतलब होता है आकर्षक, तो मैंने एकदम बड़ा सा आकर्षक रूप में अपनी जो मेरी सबसे आकर्षक स्माइल हो सकती थी वो मैंने उसको दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा ऐसा, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुमको पे नहीं कर सकता, मतलब मैं तुमको पैसे नहीं दे सकता, ऐसा अनिल ने बोला। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, और मुझे ऐसा लगा कि शायद, मतलब आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने उसके बारे में लगभग एक मिनट सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, और मैंने सोचा शायद, परहैप्स मतलब शायद, मैंने जो जो अपना मैन चुना है, जो अपना शिकार चुना है, उसको चुनने में गलती कर दी, ठीक है, मिसजज कर दिया। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने उससे कहा क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, तो उसने कहा क्या तुम बना सकते हो। तो ठीक है, तो पहले तो ये वाली बात हो रही थी कि उसने पूछा कि हाँ भाई कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, उसने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए, तो उसने कहा ठीक है पैसे मत देना, लेकिन क्या तुम आप मुझे खाना खिला सकते हो। तो इसने ये कहता है, अनिल पूत कहता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, तो मैंने फिर से झूठ बोल दिया, हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, क्योंकि इसे क्या था कि कैसे भी करके उसके घर में घुसना था और चोरी करनी थी, मतलब उसे लूटना था, तो फिर झूठ बोलना ही पड़ा। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो अनिल कहता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम बना सकते हो तो शायद, मे बी मतलब शायद, मैं तुम्हें खिला दूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप, वो मुझे अपने रूम में ले गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और उसने मुझसे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल, टेरेबल मतलब बहुत बेकार, तो उस रात जो मैंने खाना बनाया वो शायद बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। बिकॉज अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, तो क्या हुआ, वो इतना ज़्यादा बेकार खाना था कि वो अनिल ने स्ट्रे डॉग को, यानी जो आवारा कुत्ते थे जो घूमते थे, उनको दे दिया, इतना ज़्यादा बेकार खाना था, और उसने मुझसे कहा कि तुम अब चले जाओ यहाँ पे। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं गया नहीं, वहीं घूमता रहा। स्माइलिंग एट माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपने जो सबसे आकर्षक रूप में जो स्माइल दे सकता था वो लगातार मैं उसको देख के स्माइल करता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो मतलब बिना हंसे नहीं रुका गया उससे, वो भी हंसने लग गया, अनिल भी। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, लास्ट, फिर बाद में क्या किया उसने, मेरा सर पे थोड़ा सा थपथपाया।
एंड सेड नेवर माइंड ही विल टीच मी टू कुक। और उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूँगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू एड नंबर्स। और उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया, ठीक है, और मुझसे कहा कि जल्दी ही मैं तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखा दूंगा और क्या करूंगा, मैं तुम्हें जोड़ना भी सिखा दूंगा। आई वाज ग्रेटफुल, मैं बड़ा ग्रेटफुल था उसके लिए। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, क्योंकि मैं जानता था अगर एक बार मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह, एक पढ़े लिखे लोगों की तरह लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो मैं क्या हासिल करता हूँ इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं रहेगी। क्योंकि अभी तो देखो उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा ऐसे ही छोटा मोटा काम करके ही लोगों को ठगता है। अगर उसे पढ़ना लिखना आ गया तो शायद वो बड़े बड़े लोगों को भी ज़्यादा अच्छी तरह से ठग सकता है ना, तो ये उसने सोचा। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, और अनिल के लिए काम करना बड़ा ही एक प्लीजेंट था, बड़ा ही एक अच्छा रहा उसके लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के टाइम चाय बनाता था, एंड देन वो टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, और उसके बाद मैं क्या करता था, अपना जो दिन भर के लिए जो बाकी के खाने पीने के जो सामान होते थे वो लेने के लिए निकल जाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, और ज़्यादातर मैं एक हर दिन एक रुपये का प्रॉफिट कर लेता था, मतलब एक रुपये बचा लेता था, ठीक है। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, और मुझे लगता था कि वो जानता है कि मैं इस तरह से कुछ पैसे बचा रहा हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लगता था कि उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है अनिल को इस बात से कि मैं उसके पैसे मतलब थोड़े से बचा ले रहा हूँ, ऐसा उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था इसे। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो अनिल जो था वो अपना पैसा फिट्स एंड स्टार्ट्स में कमाता था। फिट्स एंड स्टार्ट जो है क्या है, एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है अस्थिर, ठीक है। एक को कोई फिक्स जरिया नहीं था उसका पैसे कमाने का, एक अस्थिर तरह से अपने पैसे कमाता था। ही वुड बोरो वन वीक लैंड द नेक्स्ट, एक हफ्ता तो वो क्या करता था, बोरो करता था, दूसरे से उधार लेता था, और अगले ही हफ्ते उसके पास जब पैसे आ जाते थे तो इतने पैसे हो जाता था कि वो लोगों को उधार दे भी देता था, लैंड भी दे देता था। ही कैप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो अपने नेक्स्ट चेक के बारे में ही चिंतित रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, और जैसे ही उसका अगला चेक आता था वो तुरंत ही जाता था और सेलिब्रेट करता था, पार्टी करने लगता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, और ऐसा लगता था कि जैसे वो मैगजीन्स में लिखता है, अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, क्वीर का मतलब होता है अजीब, तो इसे लगा कि ये बड़ा ही एक यार अजीब तरह है, अजीब तरीका है ज़िंदगी बिताने का, कि कभी तो आप पैसे उधार ले रहे हो, आपके पास बिल्कुल पैसे ही नहीं है, और फिर कभी इतने पैसे हो जाते हैं कि आप दूसरे को उधार दे रहे हो। वन ईवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, और एक शाम वो घर आया तो उसके पास एक नोट्स का एक छोटा सा बंडल था। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और उसने कहा कि मैंने अभी अभी एक पब्लिशर को अपनी बुक बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस मतलब गद्दे, और मैंने देखा कि शाम को उसने जो अपना पैसे थे वो गद्दे के नीचे रख दिए। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, एंड मैं लगभग अनिल के लिए एक महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग्स, और जो शॉपिंग के लिए मैं थोड़ी सी चीटिंग कर लेता था, जो बताया था इसने कि लगभग एक रुपये डेली बचा लेता था, उसके अलावा हैड नॉट एनी थिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, और उसके अलावा इसने और कुछ भी उसके साथ कुछ गलत काम नहीं किया था, कुछ और तरह से उसे नहीं ठगा था, बस वो जो थोड़ा सा खर्चे में ही बचा लेता था, एक रुपये का डेली वही बचा लेता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, लेकिन अब मेरे पास ऐसा करने की पूरी अपॉर्चुनिटी आ चुकी थी, अब उसके पास पैसे आ चुके थे तो अब वो कर सकता था ऐसा। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल जो था इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था, उसने इसको अपने घर की दरवाजे की एक की भी दे रखी थी, चाबी दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और मैं जब चाहे आ सकता था और जा सकता था। आई वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन
आई हैड एवर मेट। और अनिल जो था वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था जितने भी लोगों से आज तक मैं मिला या जितने भी लोगों के साथ मैंने आज तक काम किया, उन सब में ज़्यादा जो ट्रस्टिंग बंदा था वो अनिल था। वो बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट करता था मुझ पर। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। और यही एक कारण था कि उसको रॉब करना, उसको लूटना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, ग्रीडी मतलब लालची। तो एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो लूटे जाने को अफोर्ड कर सकता है, मतलब वो ये चीज़ समझ सकता है। क्योंकि एक लालची आदमी है, उसने किसी और से लूटा और उसको भी किसी ने लूट लिया, तो उसे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब फ़र्क तो पड़ेगा लेकिन ठीक है, उसका भी चोरी का ही था, उसने दूसरे लोगों से लूटा और यहाँ से उसका लूट लिया, तो कह रहा है कि वो अफोर्ड कर सकता है ये चीज़। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को, ठीक है, केयरलेस मैन को लूटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज़ बीन रॉब्ड। और ऐसा क्यों है? क्योंकि कभी कभी तो उसे पता भी नहीं चलता था कि वो लूटा जा चुका है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। प्लेजर मतलब एक खुशी के रूप में ले सकते हैं। और इसी से क्या होता था कि जो मेरा काम करने की जो खुशी थी, जो मेरे को लूटने में जो खुशी मिलती थी, ये सारी एकदम अलग हो जाती थी, एकदम गायब हो जाती थी। कि जब किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यार उसे लूटा भी गया है, तो फिर मज़ा नहीं आता था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। और लेकिन अब क्या था, अब था आई टोल्ड माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से कहा कि अब भाई टाइम आ चुका है कि जब अब मुझे अपना असली काम करना है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। और मैं अब अपने जो चोरी की प्रैक्टिस है उससे काफ़ी दिनों से बाहर भी चल रहा था, प्रैक्टिस ही नहीं की थी उसने तो चोरी करने की। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैंने पैसे नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और तो वो क्या करेगा, इन पैसों को अपने फ्रेंड्स के ऊपर वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, आखिरकार वो मुझे सैलरी भी तो नहीं देता है, ठीक है। तो ये इसने बोला कि भाई मुझे इसको लूटना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं लूटूंगा तो भी अपने पैसे सारे दोस्तों पे उड़ा देगा, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, पैसे तो ये वैसे भी बचा के नहीं रहेगा। और वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी है कि कह रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है मुझ पे, तो मैं इसको आखिर लूटूं कैसे, इसको तो इवन ये इतना लापरवाह है कि शायद इसे पता भी ना चले कि ये लूटा जा चुका है। तो ठीक है, पहला पार्ट हम यहाँ पे रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए और ठीक से रहिए। फिर मिलेंगे, गुड बाय एंड थैंक यू।